ओम शांति। बाबा की अब एक मुरली है। अप्रैल 30, 2023 रिवाइज डेट है नवंबर 17, 1994। अवेक बाप दादा मधुबन वर्जन सब शिव बाबा। मुरली का सार या तो टाइटल है, हर गुण वे शक्ति को अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। खुश नसीब का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बाबा कहते आगे नहीं बढ़ सकोगे, और एक बार अनुभव हो जाए उसमें खोए रहो। उसको ही कहते हैं खुश नसीब बनना। सो अनुभव बहुत ही जरूरी चीज है, और आजकल बाबा घर बैठे अनुभव करा रहा है। हमारी जैसी भावना होगी ना वैसा अनुभव 100% होगा। करके देखो, भावना बढ़ाते जाओ बाबा के प्रति, अपना अहंकार कम करते जाओ। तो बाबा के सुनते हैं महावाक्य। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। इसकी बात है, प्यार की बात है। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है, और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। ये कोई मनुष्य का प्यार नहीं है। मनुष्य के प्यार में क्या होता है? कंडीशंस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए सुखदाई हमेशा के लिए। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते। अनुभव, सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बूढ़ी मुढ़ी भोली भोली गांव की माताएं कुछ पता नहीं है नॉलेज के बारे में भी, खाली बाबा कहती और बाबा प्यार में बन जाता है, क्योंकि ईगो नहीं है जरा भी। भोली है एकदम, बाबा भी भोला नाथ है ना। तो बाबा कहते दुनिया के हिसाब से साधारण एकदम, मगर भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य न किसी को प्राप्त है न हो सकता है। दुनिया की नजर में कोई कितनी भी श्रेष्ठ आत्मा क्यों ना हो, कितनी भी धर्मात्मा क्यों ना हो, कोई भी धर्म का रिलीजियस हेड क्यों ना हो, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इतने साधारण तो भी कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान मिल गया। वो तो अभी ढूंढते हैं, तो अति साधारण अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्मा ये ही पसंद है। क्यों? सुनो बराबर, क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। ना पॉलिटिकल पावर है, ना रिलीजियस पावर है, ना ग्रेट पावर से। साधारण तन में भी स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। सुनो साधारण की डेफिनेशन। बाबा हमेशा साधारण की कंपैरिजन कब कैसे करते हैं? हमारा अभी का स्टेटस, कलयुग में जो हमारे पास है, सतयुग में हमारे पास जो होगा, वो दोनों की बाबा कंपैरिजन करते। बाबा के बच्चे साधारण मतलब कोई भीख मांगने वाला बाबा का बच्चा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। खाना पीना बाबा देता ही है, बस इतना अपने की भावना बड़ी रखनी है, भावना उच्च रखने तो बाबा खिलाएगा पिलाएगा सब कुछ कराएगा। कर्म करते रहो बाबा कहते तो सब कुछ बाबा दे देगा। इसलिए बाबा कहते हैं आज का करोड़पति भी साधारण है एज कम्पेयर टू सतयुग। साधारण बच्चों में भावना है, इसलिए हमारे पास करोड़ दो करोड़ है बाबा के बच्चे थे, समझ समझना पैसे वाले जी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ के करोड़ उसके सामने। जहाँ हीरे जड़ी सोने के महल हो गए उसके सामने ये कुछ नहीं है, मिट्टी के मकान। स्टोन भी क्या है, मिट्टी है तो सोना थोड़ा है।
तो बाबा कहते हैं करोड़पति भी साधारण है, इसमें भावना बहुत है। और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। सुनो, जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी लेकिन भान होगा। हम इतना क्वालिफाइड है, हम ये है, हम वो है, क्या क्या बाबा के बच्चे हैं तो कहते रहते। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। हम जैसे ही अपन को महान समझने लगते भावना चली जाती। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। भावना भी भाड़े पर लेते हैं लोगों की, और न समय है उनके पास। तो बाप देख रहे कि कितने साधारण कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि संगम पर ही भाग्य विदाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है, अपने पास नहीं रखा है, कलम मिली है ना। भाग्य की लकीर खींचना आता है, कितनी लंबी लकीर खींची है? क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं। पहले लेसन हम जब कराते हैं ना तो क्लियर कर देते हैं कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता है, पूरा का पूरा चित्र है हमारा। सो ए थॉट रिप एन एक्शन, सो एक्शन रिप ए हैबिट, सो हैबिट रिप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रिप ए डेस्टिनी। भाग्य लिखने की कलम है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्प। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाग्य लिखने की कलम खींचने की कलम बच्चों को दे दिया है। तो बाबा उसे कलम मिली है ने? दूसरा क्वेश्चन, भाग्य की लकीर खींचना आता है ना। तीसरा, कितनी लंबी लकीर खींची है? चौथा, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली? जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, हमारी चॉइस है। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। सुना, एकदम नया बच्चा, एक दिन का बच्चा, कोर्स पूरा हुआ और बच्चा बना। कोर्स भी कहाँ तक, 5 लेसन किया, ब्राह्मण का ज्ञान मिला ब्रह्मा के तन द्वारा और नया जन्म हुआ। इसलिए 5 दिन का कोर्स किया तो भी बाबा का बच्चा है, और बाबा का बच्चा बना मतलब बाबा ने भाग्य की कलम दे दी। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? अनुभव है सबको, जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। और दुनिया में हमने क्या किया, एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू फिजिकल थिंग्स। डे बाय डे हम फिजिकालिटी की ओर, देहभान की ओर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया की क्या हालत है, क्यों? मटेरियलिज्म है। इसलिए लोग प्यार को क्या गिनते हैं, प्राइज को प्यार गिनते हैं, मगर वो प्यार नहीं है, भावना बड़ी है, वो भूल जाते हैं। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यदि नहीं होती है तो प्यार की कमी है हमारी, उसकी नहीं। सुख शांति तो चाहिए ना, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना, मगर कैसा है, टेम्पररी है। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। क्या बना देता, उनके समान बना देता है ना, सुख का भंडार है ना। पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है, भंडार है? अब पूछते हैं, जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है? बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को हमें पूछना है। फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। जैसे बाबा कहा सब कुछ दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो हमारा बाप है, जानता है हमें क्या चाहिए। मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है।
बस अपनी भावना दे दो। बाप ने दिया है सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए, विधि के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, हर मुरली में कोई ना कोई विधि है, हम सुनते नहीं बराबर। इसलिए क्या होता है, वो विधि से सिद्धि नहीं मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में नहीं लगाते हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, यदि हम उनको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लगाएंगे तो फायदा कैसे मिलेगा। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है, बस बाबा ने ढूंढ निकाला, हम तो ढूंढते ही रह गए 2500 साल तक, मगर वो नहीं मिला, वो यहाँ था ही नहीं, अब हमारे लिए तो आया हुआ है और हमें मिल गया, इसलिए तो बाबा की मुरली सुन रहे। मिल जाने के बाद भी अनुभव नहीं होता तो बाबा कहते क्या करते हो, तो बाबा के कितना सहज, कोई मेहनत की है क्या, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ने, कोई तपस्या करनी पड़ी, कोई कुछ करना पड़ा। बाबा कहते हैं जिसने किया है उस तो किया है, जिसने अनुभव उसको अनुभव है क्या करना होता है, पुराने वाले को खास, नए वालों को इतना नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में कुछ ना कुछ करके आए, इसलिए जन्म में कुछ नहीं करना पड़ा। या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ने, आराम से बैठे हो ने, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। तब क्या था, यदि हमारा पहले डायमंड हॉल नहीं बना था, 1997-8 में बना, और मधुबन का जो हॉल था ओम शांति भवन छोटा पड़ रहा था, रहने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही कम जगह थी, टेंट में रहना पड़ता था, हम लोग गए हुए रहे हुए लॉबी में सोना पड़ता था जो होती थी, क्योंकि आज भी बहुत गिरदी होती है, तो डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल के आसपास जो अपना शांति उसमें आज भी है ऐसा, क्योंकि बुलाते हैं कम आ जाते हैं, बोलते क्या करें, कैपेसिटी नहीं है, तो किसी बाबा के बच्चे को मना तो कर नहीं सकते बाबा, या तो बाबा के बच्चे तो टेंट लगाने पड़ते, इसलिए बाबा कहते हैं भावना। तो बाबा कहते हैं नशा है ने, तो आराम से सहज ही श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, आराम से बैठे हो, किसी को नीचे भी बैठना मिलता है, आज भी डायमंड हॉल फुल हो जाता है तो साइड के हॉल जो कॉन्फ्रेंस हॉल में उसमें बिठाते, या तो जो बास में बगीचा है वहाँ बड़ा टीवी लगा देते। तो बाबा कहते तब, बाबा कहते फॉर्म पर तो बैठे हो ने, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है, जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा, भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्यों, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है, इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है और कभी कभी उतरता है, क्या है, संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजोरिटी तो सब नए होने, नए की भीड़ ज्यादा थी उस क्षण के अंदर, कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष ही संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। अब बाबा समझाते क्यों नए को चांस है, तो नयों में उमंग है उत्साह है, या समझते हो हमारे से आगे बहुत है, हम तो आए ही अभी है आदि आदि, क्या समझते हो। तो बाबा कहते नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो, प्रैक्टिस, प्रयोग, योग के प्रयोग करो, इसको कहते हैं अभ्यास। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे, चॉइस हमारी है, अलबेना केयरलेस बनना या तो आगे जाना, नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे, सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा, बाबा दोनों तरफ से खातरी कर रहा है। माता ये किस में आएगी, फर्स्ट में आएगी, बहुत अच्छा,
आना ही है, यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना ही क्या होगा, सफलता मिलेगी। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे आदि आदि, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए आदि आदि। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, असल टाइगर नहीं है। पेपर टाइगर से किसी को डर नहीं लगता है, पता है पेपर का बना हुआ, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जितना बाबा को साथी बनाएंगे उतना हर कार्य सहज और हमेशा सेफ्टी अनुभव करेंगे। साथ भूल जाते हो तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, यही वायदा है ना। बाबा अकेला नहीं जाएगा परमधाम में, सबको साथ लेकर जाएगा। कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। अब और आगे जा रहा, जानते भी हो मानते भी हो लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उनको बुला देता है, प्रैक्टिकल में जो जान लाने का कोर्स है उसको बुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है, आप बलवान हो, कौन बलवान है? वह कभी माया बलवान, कभी आप बलवान। आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है, आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। सुना माया क्या है? माया हमारी कमजोरी है, हमारी नेगेटिविटी है, हमारा व्यर्थ है, हमारी बुरी आदतें है, विकार है, व्यसन, ये सब माया है। और ख़ास करके कमजोरी, कमजोर संकल्प किया तो माया आएगी ही। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामने करती है। भगवान ने तुरंत एग्जाम्पल दे दिया शरीर का, तो ना कमजोर बनना है न माया आने देनी। आत्मा को न कमजोर बनाना है न बनना है और न माया आने देनी। लक्ष्य ही है क्या? माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर घबराते घबरा क्यों जाते हो? बल्कि फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ने, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने, ड्रामा की बात करते एक तरफ, हम ही तो विजयी बने थे, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही है ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। ब्रह्मा की ये ब्लेसिंग है सबके लिए कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। अलौकिक बाप भी क्या कहता है, मेरे राजा बच्चा, तो पारलौकिक बाप तो कहेगा इन्हें प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना ने, राज अधिकारी बनना है। तो राज अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जित, राज का मतलब राजा, कर्मेंद्रिय जित हु कंट्रोल्स ऑल सेंसेस फिजिकल एज वेल एज सटल। सटल में आता है माइंड इंटेलिजेंट संस्कार। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर राज क्या करेंगे? तब कहते जो अपना राजा नहीं वो दूसरे पर क्या राज करेगा। अगर ऐसे राजा बने जो ऊपर विजय नहीं, जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। नेचुरल है, सतयुग में तो क्या है, संकल्प से चलती दुनिया, ज़्यादा बोलना भी नहीं। और यदि अपने ऊपर नहीं विजय है, मतलब संकल्प के ऊपर विजय नहीं, तो क्या होगा, सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए? आज मन उदास है,
आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जित मन जित कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लक्षण आने चाहिए, मन जित सो जगत जित कहते हैं ना, माया जित कर्मेंद्रिय जित। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती तो उसका कारण क्या है? पापा हर चीज़ का बाबा क्वेश्चन करता है और आंसर सुनाता है, मतलब विधि बताता है और प्रैक्टिकल में हमें लानी है। उनका काम ये ज्ञान देना, शक्ति देना, प्रैक्टिकल में यूज़ करना हमारा काम है। बाबा हर यूज़ करने की विधि बताता। विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, एक एक शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। यहाँ ही डिफरेंस हो जाता है, नंबर वार बन जाते हैं। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो, मैं आत्मा हूँ। आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, आत्मिक अनुभूति मतलब ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। बाबा के बोलते हो मगर अनुभव नहीं है, सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कहीं तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभव नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते हो। अगर सभी से पूछे जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्मों में अनुभव हो। क्यों नहीं होता है? बार बार भूल जाते हैं ना, कहते हैं, सुनते हैं, मगर वही समय बाद में जब प्रैक्टिकल आता है तो भूल जाते। बाबा कहते प्रैक्टिस बढ़ाओ। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए 108 बार 100 बार लिखने की प्रैक्टिस करो। मुरली लिखो, बोलेंगे मुरली तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, शक्ति बाहर चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। इसलिए बाबा कहते वो प्रैक्टिस बढ़ाओ, चर्चा की प्रैक्टिस कम करो, अंदर की प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितना अंदर घोटेंगे उतना नशा चढ़ेंगे। इसलिए कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, बाकी नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलने में, कर्म में, शक्ति या गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहते हैं स्वरूप बनना। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना? और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। स्वरूप मतलब एम्बॉडीमेंट। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो स्वरूप दिखाई देता है ना, चिपता नहीं है, क्रोध आ जाता है ना, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं नेगेटिविटी का पूरा जो सामने होता है देख सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, खाली बोलने तक नहीं। तो अनुभवी मुहूर्त है ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी।
अपने को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो, इसको कहते अनुभवी मूर्त एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज करो मतलब बोलने की बात नहीं है, अंदर घोटने की बात है। लिखो, बार बार रिपीट करो, अंदर बाहर नहीं। तो बाबा कहते विधि बाबा बता रहे कि अनुभव किया तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो प्रति समय समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। और जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज सहज होगा, रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना, बहुत अच्छा। लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए, अंदर बाहर नहीं। जैसे दुनिया वाले कहते हैं इमीडिएट एग्जांपल कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं हो सकते, वो अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते। कर्म से योग लगाना इसी को ही कर्म योग समझते। किससे योग लगाना समझते? कर्म से। यहाँ कर्म योग मतलब कर्म की अवेयरनेस से ऊपर जाना है। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। वो ऐसा मानते हैं कर्म से योग लगाओ, और बाबा कहते हैं कर्म और योग का बैलेंस, काफी अंतर है। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, ये खो जाते हैं कर्म के अंदर, कुछ पता नहीं चलता। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो हमारी गलती, दूसरे किसी की गलती नहीं। और हमें करना है, और कैसे होगा? बाबा ने विधि बता दी, जितना रिवाइज करते रहेंगे उतना रियलाइज होगा, मगर अंदर बाहर नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। इतना डूब जाते हैं, ठीक है अपनी जॉब ऐसी है तो डूबना भी पड़ता है, मगर बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, कोई ना कोई युक्ति ढूंढ निकालो जिससे वो रिवाइज होता रहे तो रियलाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, बाबा का नया नया जब आते हैं ना तो सब अनुभव बाबा करा देते गोदी में बिठाकर, मगर फिर इंडिपेंडेंट भी बनना है ना। छोटे बच्चे को गोदी में लेकर घुमाएंगे, बड़े को थोड़े घुमाएंगे। तो बाबा भी कहते अनुभव को दोहराते रहो, आगे बढ़ते रहो पुराने होने के बाद भी। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। स्वरूप एम्बॉडीमेंट। अभी भी देखो बाबा एग्जाम्पल दे रहे, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ना ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरों को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती, एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और सब जदा और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ, विधि तो स्पष्ट है ना, बाबा बता रहे। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है? तब बाबा खातरी कर रहा है सबको, सब आराम से रहे हुए हो,
मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। चेक करना है हमें क्या होता है, ये तो होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, ये भावी है, उसको क्या करेंगे। बाबा कहते बाबा जितना भी बड़ा हॉल बनाता जाएगा कम ही पड़ेगा, आज भी देखो कम पड़ रहा है। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ जैसे बिठाओ जैसे सुलाओ उसकी रिहर्सल हो जाती है, कि अंत में बाबा कहते कुछ भी मिलने वाला नहीं, तो एडजस्ट होना पड़ेगा। तो आज थोड़े हैं, थोड़ी जगह बहुत आ जाते हैं तो क्या होता है, एडजस्टमेंट हो जाता है ना, तो रिहर्सल हो गई ना, तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना, हमने बताया ना आगे, आप बहुत आ जाते तो क्या करें, टेंट बना देते, सब फैसले के अंदर होती थी, मगर पट में जाना पड़ेगा खुले में। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन, यहाँ पट मतलब खुला मैदान, टेंट लगा देते थे। आप तो बहुत सहज बन गए, उनको पता नहीं पटरानी पटराजा क्या होता है, कोई तकलीफ है। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोच तो यही है, क्या सोचती है कि सब आराम से रहे, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है ना, क्योंकि बुलाते कम है और आ जाते बहुत है, तो ना बाबा किसी को थोड़ी कहेगा, बच्चे को जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, और बुलाए बाबा के तो और बुलाए, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो बहुत आ जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, फिर सोने की बात नहीं, खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते करेंगे बाबा के, थक नहीं जाएंगे ना, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, देखो बाबा एडवांस में बता रहा, बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, खाली खाली बाबा बोल रहा है, सहज योगी होने, ये परमात्म मिलन का भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य कोटों में आप आत्माओं को ही मिलता है, अच्छा मिल गया ने, भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी है, रू रिहान भी करते हैं, तो ये कोई भाग्य कम है, फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ने, फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर, अभी भी लेट है मगर टू लेट नहीं है, तो सब खुश हो, टू लेट मतलब बाद में बाबा का आना जाना, हमारा आना जाना सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आने वाला है, टू लेट नहीं हूँ। अच्छा, पूरी मुरली का सार है चार ही लाइन, जो हमने पूरी मुरली सुनी उनका, चारे ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को, बाबा विवेक मुरली में जो मुरली के अनुसार क्वालिफिकेशन है उनको ही नमस्ते करता है, साकार मुरली में सबको नमस्ते करता है। दूसरा, सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, जो मुरली की सेकंड पैराग्राफ में आई थी, पहले में भाग्य विधाता की बाबा ने भाग्य की बात की, सेकंड आगे बाबा ने मन जीत जगत जीत। तीसरा, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, बाबा आगे चले थे उसमें। चौथा, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, बाप और मैं कंबाइंड साथ साथ साथी। पांचवा, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले, प्रैक्टिकल में लाने वाले। और छठवा है, ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप के समीप और बाप के समान श्रेष्ठ, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले, खाली एक नहीं दोनों सेवा साथ चले, सहज सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइन रूप होगा, तब सहज सफलता होगी, इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले,
दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। बाबा के सेंटर पर जाते हैं तो सब थोड़ा मुरली सुनाएंगे, सब थोड़ी कोर्स कराएंगे, तो हमें क्या करना है? हमें बैठकर मनसा सेवा करनी है। इससे वायुमंडल युग युक्त बनता है। क्या मनसा सेवा मतलब? क्या सबको शांति के वाइब्रेशन दो, शक्ति के वाइब्रेशन दो, ज्ञान के वाइब्रेशन दो। तो सेंटर का वातावरण अपने घर में भी बैठकर करेंगे तो घर का वातावरण क्या होगा? पावरफुल बन जाएगा। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी, घर बैठे भी कर सकते हैं। स्लोगन है, सदा एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, तो मुरलीपुरी होती है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेखा बहन, उनको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था अमृत वेले। तो सब अनुभव करते रहे जब तक अनुभव, नए नए बहने मेरे को मैसेज भी किया था और जुगना बहन से भी बात हुई, तो नए नए को बाबा का बहुत ही सपोर्ट मिलता है। खाली थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाओ हिम्मत का, उमंग उत्साह का, तो बाबा सब कुछ अनुभव करा देगा। पुराने नए चाहे कोई भी, भावना ऊंची रखेंगे, भावना जितनी ऊंची होगी उतना बाबा अनुभव ऊंचा कराए। तो बहुत बहुत सबको बाबा की ब्लेसिंग्स और सब आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तो मुरली पूरी होती है, सबको ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम बाबा का योग करेंगे फिर पूरा करेंगे।